वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑर्गेनाइज बाई द RRB कॉन्वेंट स्कूल. माई नेम इज़ प्रगति द्विवेदी एंड आई एम हियर टू टेक योर इंग्लिश क्लासेज. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम दैट इज द कैट डैड एंड द कैट एंड द ट्री. सो द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोएम. ओके, हियर द मेन रोल ऑफ द कैरेक्टर्स आर द डैड, the cat and the tree. So this is the poem basically of a person who is the dad of the narrator, and the cat and the tree. This is the poem written by Kit Wright. Kit Wright hamare is poem ke poet hain, and he had written this poem, or you can say that this is the incident of his life. So before starting this, here some introduction is given over here, and there are many things which has been asked to you. So read these things and find out the answers by yourself. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी क्या होता है कि जो cat है वो बहुत आसानी से ऊँची ट्रीज पे चढ़ जाती हैं, मीन्स बहुत ऊपर तक ट्रीज पे चढ़ जाती हैं, लेकिन फिर वहाँ जाके फंस जाती हैं. दे डोंट नो हाउ टू कम डाउन, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो नीचे कैसे आएंगी. द पुअर थिंग दैट कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प, जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि वो चढ़ तो जाती हैं बट वो बिना किसी हेल्प के नीचे नहीं आ सकती हैं. हाउ वुड यू हेल्प इट, तो अगर आप अभी कभी ऐसी इंसिडेंट देखेंगे तो आप कैसे कैट की हेल्प करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. इज डैड अ गुड क्लाइंबर? वॉट वर हिज प्लान्स? रीड द पोएम टू फाइंड आउट. तो इस पोएम में जो डैड हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं नरेटर का, के फादर का, तो जो नरेटर के फादर हैं वही डैड हैं. तो उनकी यहाँ पे बात हुई है कि उन्होंने कैट जो थी ट्री पे स्टक हो गई थी, उसे नीचे उतारने के लिए उन्होंने कुछ आइडियाज़ निकाले और वो उसको इम्प्लीमेंट किए जिससे कि कैट नीचे आ सके. सो इसीलिए आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डैड हैं वो एक गुड क्लाइंबर हैं, या उसके जो प्लान्स थे वो क्या प्लान्स थे. सो वी विल रीड दिस पोएम एंड लेट्स फाइंड इट आउट दैट व्हाट वर द प्लान्स ऑफ द डैड एंड इज ही एज अ गुड क्लाइंबर और नॉट. ओके, सो दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आर ट्री. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. सो द मॉर्निंग में क्या होता है, गार्डन में, नरेटर के गार्डन में मॉर्निंग में एक ट्री है उस जहाँ पे कैट फंस जाती है. गॉट स्टक मींस उनके पेड़ पे जाके फंस जाती है. एंड जब डैड वहाँ पे, नरेटर के जो डैड हैं वो देखते हैं तो उन्हें वो कहते हैं इट्स ऑल राइट, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं फाइंड आउट कर लूँगा कि उसे कैसे उतारना है, ये बहुत ईजी टास्क है एंड आई एम एबल टू डू दिस. द ट्री वॉज वॉबी, द ट्री वॉज टॉल. द ट्री वॉज वॉबी, वॉबली मीन्स जो ट्री है वो बहुत ही बड़ी और घनी थी और बहुत ही ज़्यादा लंबी थी. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, भगवान के लिए या प्लीज़ अपने अच्छे के लिए गिर मत पड़ना. मीन्स वो वॉर्न करती हैं फादर को कि डोंट क्लाइंब अप टू द ट्री, बिकॉज जो ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी है, ब्रॉड है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा घनी और ऊँची है. तो ऐसा ना हो कि कहीं फादर बिल्ली को नीचे ले आने जा रहे हैं और वो खुद ही गिर पड़े. फॉल स्कॉप डैड, स्कॉप डैड मीन्स वो जैसे एक होता नहीं है ओवर स्मार्ट होते हुए बोलना कि फॉल गिरूंगा और मैं, नॉट पॉसिबल अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा अगर चढ़ाई करने वाला हो तो वो कभी गिर नहीं सकता है. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो बच्चों का खेल है. जस्ट वेट एंड वॉच मीन्स तुम यहाँ पे रुको और देखो, ये पेड़ पे चढ़ना तो बच्चों जैसा काम है मेरे लिए. He got out the ladder. Ladder means जो सीढ़ी होती है लकड़ी की, वो उसे कहते हैं. तो उन्होंने ladder निकाली, सीढ़ी निकाली from the garden shed, जो garden का shed था वहाँ से. It slipped. He landed in the flower of bed. और जैसे ही क्या कहते हैं कि वो सीढ़ी लाए, लगाए और उस पर चढ़े, तो वो उससे slip हो गए. जो सीढ़ी थी, ladder थी, वो slip हो गई और जो father हैं वो landed on the floor. Means वो ज़मीन पे गिर गए. इन द फ्लावर ऑफ बेड मीन्स वो ज़मीन पे पूरे के पूरे गिर गए. नेवर माइंड सेड डैड, कोई बात नहीं, डैड ने बोला इट्स ओके, फर्स्ट टाइम है. काफ़ी कभी कभी हो जाता है कि इंसान का पैर स्लिप हो जाता है, सेटल नहीं हुई होगी लैडर ढंग से, इसलिए
मैं स्लिप कर गया, कोई बात नहीं, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. वो फिर से ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. तो वो अपने जो ज़मीन पे ग्राउंड पे गिर गए, तो वो धूल पूरी लग गई थी उनके बॉडी पे, बालों पे, फेस पे. तो उसे झाड़ते हुए, ब्रश करते हुए, मीन्स ब्रशिंग मीन्स झाड़ते हुए अपनी सारी जो धूल है अपने बॉडी पे, वो ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, वील ट्राई प्लान बी. स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके. देन द फादर सेज, हम लोग प्लान बी ट्राई करेंगे जो कि इससे थोड़ा अलग है. फिर अगेन उनकी जो नरेटर की मदर है वो फिर से अपने हस्बैंड को वॉर्न करती हैं दैट डोंट फॉल अगेन, फिर से मत गिर जाना, डोंट ट्राई ऑल दिस. बट ही सेज, फॉल अगेन, फनी जो, क्या मजाक करती हो, मैं फिर से गिरूंगा, नॉट पॉसिबल. देन ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच, इट प्रोक. फिर वो एक ब्रांच पर लटकते हैं, और जैसे ही वो लटकते हैं, ब्रांच क्या रहती है, वीक रहती है और वो टूट जाती है. जैसे ही जो ब्रांच है वो टूटती है, डैड लैंडेड वेलूप बैक ऑन द डेक. मम सेड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. सो फिर क्या होता है, जैसे ही ब्रांच जो है वो टूटती है, तो नरेटर के जो फादर हैं वो फिर से एक बार ग्राउंड पे आके रोल डाउन होके गिर पड़ते हैं. ये देख के जो नरेटर की मदर हैं वो कहती हैं, स्टॉप इट, अच्छा बस करो, नहीं तो आप अपनी ही गर्दन तोड़ लोगे, मीन्स यू विल हार्म योर सेल्फ, आप खुद को ही चोट पहुंचा लोगे. रबिश, सेड डैड, क्या बकवास है, डैड कहते हैं. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम लोग प्लान सी के तरफ चलेंगे. इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, जो कि एक मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए बहुत ही ईजी है. मीन्स ही सेज दैट द प्लान नंबर सी इज़ वेरी ईजी फॉर हिम एंड ही विल डू इट विद इन अ. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He did not fall. फिर क्या होता है, प्लान नंबर सी उनका क्या था कि वो जो गार्डन की वॉल है वहाँ पे, उस पर चढ़ के उसका सहारा लेके पेड़ पे चढ़ते हैं. और guess what? अब की बार सोचिए क्या हुआ, अब की बार वो नहीं गिरे and he successfully climbed on the tree. He gave a great leap and he landed flat इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट. उन्होंने एक लंबी छलांग मारी, ग्रेट लीप में लंबी छलांग मारी, और वो सीधे जाके कैट के जस्ट बगल ट्री ट्रंक में लैंड कर गए. लैंड करके मीन्स चढ़ गए. ओके, द कैट गेव अ येल. जैसे अब हम किसी भी एनिमल के पास में जाते हैं तो वो, या जैसे डॉग के पास जाएंगे तो भौंकते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं और फिर भाग जाते हैं. कि किसी भी आप एनिमल के पास जाइए तो उनकी जो भी आवाज़ होती है वो अपने वॉइस में चीखते हैं और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं. तो जैसे ही फादर राइट टू द कैट गए, मींस कैट के पास गए, नरेटर के फादर, जो कैट है वो येल गेव अ येल, मींस उसने एक अपनी म्यू जैसी तेज से आवाज़ निकाली चीखते हुए, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, स्प्रैंग टू द, और ग्राउंड पे कूद पड़ी. Pleased as punch to be safe and sound. लेकिन वो बहुत ही आराम से, मीन्स वो कूदी तो, बट वो बिल्कुल सेफ थी, उसे कोई भी चोट नहीं आई, बहुत ही ईजिली और बहुत ही आराम से वो नीचे आ गई. So it's smiling at smirking, smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree. So yeah, जो कैट है वो तो, क्योंकि उसे ना कोई चोट लगी ना ही कोई हार्म पहुंचा, वो स्टक थी तो वो थोड़ा टेरिफाइड थी, बट जैसे ही वो ग्राउंड में आई वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और स्माइलिंग करते हुए, लहराते हुए अपनी पूंछ, शी हैड गॉन. और बट जो डैड थे, नरेटर्स के डैड थे, वो बेचारे पेड़ पे ही फंसे रह गए, वो अभी भी पेड़ पे ही फंसे हुए हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द इंसिडेंट ऑफ द विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू अ पोएम ऑफ द पोएट Kit Wright. He has written this poem. This is the poem is about the dad and the cat and the tree. And who was the dad over here? The dad was the narrator's father. जो dad हैं वो कौन थे? Narrator के father थे. और ये जो incident है, ये उनके घर का जो garden है वहाँ का incident है, जिससे कि उन्होंने एक poem में convert किया है. Okay? So I hope that you have understood this poem about डैड एंड द कैट एंड द ट्री, कि कैसे एक कैट ट्री में स्टक हो गई थी एंड हाउ द डैड मैनेज्ड टू गेट हर बैक. बट जो सारी उन्होंने प्रिपरेशंस की, सारी उन्होंने तैयारी की, सारे प्लान्स बनाए
कैट को नीचे ले आने के लिए, ग्राउंड पर लाने के लिए, वो सारे फेल हो गए, क्योंकि कैट जैसे ही वो कैट के पास पहुँचे, कैट खुद ही डर के मारे पेड़ से कूद के और सेफ्टी के साथ विदाउट हर्टिंग, बिना किसी चोट, बिना खुद को चोट पहुँचाए वो नीचे आ गई। एंड व्हाट हैपेंड इन द लास्ट, कि जो फादर थे नरेटर के, वो खुद ही पेड़ पे स्टक हो गए, फंस के रह गए। ओके, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। So this was a beautiful poem. Read this poem and try to learn it also. Okay, so I am stopping this over here only, and we'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.